Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing some basic concept of QST. This is video lecture number 11. I hope you have already watched part 1 to part 10 before watching this part 11. आज हमें क्या सीखना है? ये 10 lecture already हो चुके हैं. 10 lectures have been already given. Now this is 11th lecture in which we will discuss about some calculation. Reactions in solution. So that we need to discuss today. And this reaction we will discuss about the solute, solvent, and their concentration. Basically, we have to discuss concentration. And concentration can be defined in different way. That we have to learn today. So आइए आज हम सीखते हैं कि reactions in calculation, reactions in solutions, reactions in solution, reactions in solutions. Reactions takes place in solutions, and when two different type of substance mix together, right? Then depending upon solvent and solute, you know solvent and solute. जानते हैं क्या होता है? सॉल्यूट वो होता है जो डिजोल्व किया जाता है और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें डिजोल्व किया जाता है, ठीक है ना. जैसे हम शुगर और वाटर का सॉल्यूशन लें तो शुगर हो गया सॉल्यूट और वाटर हो गया सॉल्वेंट. तो इस तरह से जो चीज कम होती है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट और जो चीज ज्यादा होती है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट. तो रिएक्शंस जब भी होगी तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कितने कितने हैं, व्हाट आर देयर अमाउंट एंड हाउ वन कैन डिफाइन वन रिलेटेड टू अदर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे डिफाइन किया जाए, ये आज हमें सीखना है, राइट. तो सॉल्यूशन में बेसिकली क्या होता है कि हम मोल के टर्म्स में एक दूसरे के टर्म डिफाइन कर सकते हैं, वेट के टर्म्स में या मास के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं. जैसे 5 ग्राम शुगर हमने 100 ग्राम में वाटर में क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया, तो कितने परसेंट शुगर है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर परसेंट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको कहेंगे मास परसेंट, ठीक है. अगर मोल के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं कि हम 2 मोल्स ऑफ शुगर इज बीन डिजोल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर, तो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. इसी तरीके से अगर हम लीटर में कहें कि 1 लीटर में, 1 लीटर वाटर में कितने मोल जो है शुगर का हमने इसमें डिजोल्व किया, तो वो एक अलग क्वांटिटी होगी. अगर लीटर के बजाय हम किलोग्राम में लें कि हाउ मेनी मोल्स डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, तो एक अलग क्वांटिटी होगी. तो इस तरह से अलग अलग नाम दिए गए, काम सबका एक ही है लेकिन ये नाम अलग अलग दिए गए और इसकी हमें चर्चा करनी इस चैप्टर में, ठीक है. सो रिएक्शंस एंड सॉल्यूशंस, दिस इज द टॉपिक व्हिच यू नीड टू डिस्कस टुडे एंड लेट अस डिस्कस वन बाय वन. द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, the amount of substance, the amount of substance present in a given solution is called, substance means solute here, solution is called concentration, is called concentration, concentration, right? Concentration. Here amount of substance present in given substance means here solute, you know, solute, solute present in a given solution is called concentration, right? Now so the concentration can be, concentration of substance in a given solution can be defined in following ways. The concentration of
कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मीन्स सॉल्यूट, हियर कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए गिवन सॉल्यूशन, गिवन सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड इन फॉलोइंग विच, राइट, इन फॉलोइंग विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन ए गिवन सोल्यूशन कैन बी डिफाइंड इन फॉलोइंग विच. फर्स्ट वन इज कॉल्ड मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, राइट. सेकेंड वन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन. एंड थर्ड वन इज कॉल्ड मोलारिटी, मोलारिटी. एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड मोलालिटी, मोलारिटी, मोलालिटी. अब ये क्या है, ये चार तरीके से किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी वन बाई वन चर्चा करते हैं, ठीक है. मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोलालिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मास परसेंट. सो व्हाट इज मास परसेंट? मास परसेंट और समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड वेट परसेंटेज. मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज द सेम थिंग, यू नो, एवरीबॉडी नो दिस. व्हाट इज दिस मास परसेंट एंड व्हाट इज दिस? सो द मास परसेंट इज डिफाइंड एज मास परसेंट ऑफ ए सब्सटेंस इन ए गिवन सॉल्यूशन, ए गिवन सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ इट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट ऑफ इट. इट मीन्स दैट सब्सटेंस, इट मीन्स हियर दैट सब्सटेंस दैट इज सॉल्यूट present in given solution. So it can be solvent and solute both, but here जो जिसका हम percentage निकाल रहे हैं वो, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि ये जो है इस solution में कितना है इसको calculate करना है. जैसे example के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि 10 ग्राम, सपोज एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल If 10 gram sugar is dissolved in 240 gram of water, what is the percentage, mass percentage of sugar? What is the mass percent of sugar? Mass percent of sugar. ये हमें निकालना है. तो हम कॉमन सेंस लगाएंगे. व्हाट इज दैट? 10 ग्राम इफ वी डिजोल्व, 10 ग्राम सुगर इफ यू डिजोल्व इन 240 ग्राम ऑफ वाटर. सो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द सॉल्यूशन व्हिच विल बी प्रिपेयर्ड दैट विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी हाउ मच? सॉल्यूशन विल बी 10 ग्राम प्लस 240 ग्राम, दैट विल बी 250 ग्राम, राइट. अब 250 ग्राम सॉल्यूशंस बनाया हमने और इसमें जो है 250 ग्राम में ये अगर हमने कोई हमारे पास बर्तन था और इसमें हमने क्या किया कि इसमें ये 240 ml था वाटर और हमने इसमें 240 ml ग्राम वाटर था और इसमें हमने 10 ग्राम सुगर डाल दिया, राइट. व्हाट इज दैट? 10 ग्राम सुगर इसमें हमने डाल दिया. सो ये सुगर मॉलिक्यूल इसके अंदर आ गए और ये सुगर 10 ग्राम डाल दिया. तो अब ये क्या होगा कि ये जो होगा ये पूरा इसमें
इस वाटर के अंदर आ जाएगा और ये मिलकर के 250 ग्राम हो जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है। सो इन 250 ग्राम सुगर इज 10%, राइट ना। सो देयर फोर परसेंटेज ऑफ सुगर वुड बी हाउ मच, 10 out of 250, राइट ना, 10 out of 250। एंड बिकॉज वी वॉन्ट टू कन्वर्ट इन परसेंटेज, एंड 100% इज नथिंग एल्स बट 1। सो किसी भी चीज को, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 100% बेसिकली होता क्या है, 1 होता है। तो 1 से कहीं भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो अगर हम इसे परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 25 4 जा 100। इसका मतलब हो गया कि 4% शुगर है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या बोलेंगे, 4%। शुगर कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग एल्स बट 4% शुगर कॉन्सेंट्रेशन। तो अब इसी को कुछ लोग फॉर्मूला के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। फॉर्मूला क्या हो सकता है, अगर इसको फॉर्मूला के तौर पे लिखूं तो क्या लिखना चाहिए हमें? फॉर्मूला लिखना चाहिए कि मास परसेंट इज इक्वल टू, देयरफॉर मास परसेंट इज इक्वल टू सेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ गिवन सब्सटेंस दैट इज सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट, दैट कैन बी रिटन एज टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। यहां सब्सटेंस का मतलब सॉल्यूट है, बार बार मैं बता रहा हूं, सॉल्यूट, ठीक है। एंड बाद में क्या किया था हमने, 100% से मल्टीप्लाई कर दिया था। किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसलिए परसेंटेज मास कैलकुलेट करने का ये तरीका हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल पहले दिया, फॉर्मूला बाद में दिया। मास ऑफ गिवन सब्सटेंस वहां पे क्या था हमारा, हमने क्या किया था, 10 ग्राम सुगर, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 250 हो गया था, मल्टीप्लाई बाई 100%। तो इस तरीके से आपका क्या निकला है, मास परसेंटेज। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज सीखते हैं, और दूसरी चीज क्या है इसके बाद, मोल फ्रैक्शन। सो व्हाट अबाउट मोल फ्रैक्शन, लेट अस लर्न। मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज मोल फ्रैक्शन, जैसा कि नाम ही है, मोल का फ्रैक्शन। किस फ्रैक्शन में कोई मोल प्रेजेंट है, यानी सपोज करो कि दो सब्सटेंस मिलाया हमने, यही एग्जाम्पल लेते हैं कि सुगर और वाटर। सो मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस सब्सटेंस with to the total number of moles present in the solution, to the total number of sorry to the total number of moles to the total number of moles number of moles present in the solution present in the solution टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, दैट इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सपोज टू सब्सटेंस, इफ आई से एनीवे दैट टू मोल्स ऑफ सुगर इज मिक्स्ड विद 10 मोल्स ऑफ वाटर, देन व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। अगेन कंसिडरिंग द सेम एग्जांपल हियर, 2 moles of sugar is mixed with dissolved, mixed is not good word, dissolved with, say, dissolved with, dissolved
with 8 moles of water. Moles of water. Then what is the mole fraction of water? तो क्या होगा? तो बताइए टोटल मोल्स कितने हो गए? ये है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहां से कितने हो जाएंगे, 2 मोल्स और 8 मोल्स, 10 मोल्स. सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, हियर टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी हाउ मच. Solution would be 2 plus 8, that is 10 mole, right? 10 moles. Now, fraction of water, what is the ratio? So, ratio of fraction of mole, fraction of or mole fraction for mole fraction of sugar, say a better word, mole fraction of sugar, fraction of sugar is called what? So number of moles of sugar, number of moles of sugar, right? Number of moles of sugar divided by total number of moles, तो ये हो जाएगा कितना, number of moles of sugar 2 upon 10, that is 1/5, ये रेशियो. इसी तरह से अगर निकालना हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन फॉर वाटर, देन व्हाट विल हैपन, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर का निकालना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, then what will happen, number of moles of water is 8/10, that is 4/5. तो इस तरह से दोनों का निकाल सकते हैं. इसका मतलब है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ टू सब्सटेंस ए एंड बी, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ टू सब्सटेंस ए एंड बी, A and B mixed together, are defined as, mole fraction of A, is NA upon NA plus NB, where NA upon NA plus NB and mole fraction for B of B is equal to NB upon NA plus NB, where NA is equal to, number of moles of substance A, that is called what, solute say, and NB is number of moles of substance B, say solvent, right? So that is defined. I hope आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, अगला लेते हैं. अगला है मोलारिटी. सो व्हाट इज मोलारिटी, इट इज डिफाइंड एज, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, of a substance, present in 1 liter of solution,
1 liter of solution. 1 liter of solution, right? That is mole per liter. We can say defined mole per liter. Molarity is defined as, that is molarity is defined as the concentration of solute mole per liter. Mole per liter. Mole per liter. So it is denoted by M. It is denoted by M. M से denote करते हैं, ठीक है, capital M से. So molarity is equal to what? And therefore finally one can write molarity is what? Molarity is number of moles of solute substance. Substance means here solute. Solute divided by volume of solution. Solution in liters. Liters. Right? So ye keh sakte hain, ye hai molarity. So molarity is defined as the concentration of solute mole per liter. It is denoted by M, and this is defined as number of moles of substance to the volume of substance. I hope ye aapko samajh mein aa gaya hoga, right na? Okay. So let us consider the molarity of substance in a given solution. How to find it? So let me consider a problem question. If 5.85 gram NaCl is dissolved in 1 liter water. 1 liter water. Find the molarity of NaCl in solution. So we know molarity is defined as number of moles of solute. Solute is what? What is solute here? Solute is NaCl. And what is solvent? Solvent is water. Right? So water is 1 liter. That is volume is given. But number of moles of solute you need to find out. So first of all, here this is given in gram. So first we have to find the number of moles in this gram. So to find number of moles, you know that number of moles can be defined as number of moles of anything is what? Molecular mass, number of given mass upon molecular mass. Given mass upon molecular mass. Molecular mass. Right? So molecular mass, given mass is what? Given mass is 5.85 gram. And molecular mass of NaCl is, Na is 23 and Cl is 35.5 gram. Right? So what will happen? This is 5.85 divided by 58.5. That is what? This is 1/10. 1/10. 1/10, that is 0.1 mole. Right now? So therefore molarity is defined as, therefore molarity is defined as, molarity is defined as number of moles of solute divided by volume of solution in liter. So what will happen? Volume of solution in liter.
राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स इज 0.1 अपॉन 1 लीटर, दैट इज व्हाट, 0.1 मोल, यूनिट इज 0.1 मोल। सो हियर मोलारिटी इज कॉल्ड 0.1 मोल, द मोलारिटी इज 0.1 मोल। ये हो गया इसकी मोलारिटी और ये हो गया आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलिकुलर मास निकालेंगे और मोलिकुलर मास निकाल के जो गिवन मास है उसमें डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। और यहाँ हमें किस में लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स में लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि ये हमेशा नंबर ऑफ मोल्स में होगा और ये जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा लीटर में होगा। मोल्स पर लीटर इज कॉल्ड मोलारिटी। तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो है उसको अब हम लेते हैं और अगले जो टाइप है मोलालिटी उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक ये 3 बातें जो हमने बताई है, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हियर बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर दैट यहाँ पे NaCl इज डिजोल्व इन 1 लीटर वाटर। ये इसका अर्थ ये है, यहाँ पे सेंस ये है कि 1 लीटर वाटर के बजाय आप कहेंगे इनफ वाटर सो दैट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड 1 लीटर। यहाँ पे 1 लीटर प्लस 5.15 मिल के थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं NaCl डिजोल्व इज इनफ वाटर टू मेक इट 1 लीटर सॉल्यूशन, राइट ना, डिजोल्व इन इनफ विथ इनफ वाटर टू मेक प्रिपेयर 1 लीटर सॉल्यूशन, enough water to prepare 1 liter solution, 1 liter solution, right, 1 liter solution, solution, find the molarity of NaCl in solution, right ना, क्योंकि सॉल्यूशन अगर आप 5.85 ग्राम जोड़ दोगे 1 लीटर में तो ये ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये वर्ड लिखना ज्यादा बेहतर रहता है, एनफ वाटर यानी 1 लीटर में थोड़ा कम हमने सॉल्यूशन इसमें वाटर मिला है, 1 लीटर से थोड़ा कम पानी मिला है सो दैट ये मिलके 1 लीटर हो जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मोलालिटी, मोलालिटी, मोला लिटी, व्हाट इज दिस, दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। मोलालिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, in the number of moles of solute present in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent, solvent, 1 kg of solvent. So therefore it is represented like number of molality is equal to molality, m is equal to number of moles of solute, solute divided by mass of solvent in kg, mass of solvent in kg, right, in kg। तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लिए कि वही एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का, when example let five point eight five gram of NaCl is dissolved with 1 kg of water, 1 kg water, then what is the molarity, what is the molality of, molality of solution, what is the molality of solution, solution,
right? This is what the question. What is the molality of solution? So molality is nothing else. First, we have to consider the number of moles of NaCl. So number of moles of NaCl, right, in 5.85 gram, we have to calculate number of moles in this. Is what? First we have to calculate the molecular mass upon given mass, and given mass upon molecular mass, given mass upon molecular mass. We have calculated molecular mass of NaCl, so what will happen? This is 5.85 upon 58.5, that is 0.1 mole. Now molality is defined as, therefore molality is defined as, molality is equal to number of moles of solute, that is NaCl, divided by mass of solvent. So what is that? Here 0.1 divided by what? 0.1 divided by 1 kg. So that is 1 mole. Small m where represent that? This is molality. Right? ये मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोलालिटी होगी। तो इस तरीके से हम इसको मोलालिटी को भी निकाल सकते हैं, मोलारिटी को भी निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को भी निकाल सकते हैं और मास परसेंटेज को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब कुछ और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, राइट। सो अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि एक मोलारिटी दी गई है, और आपको दूसरी मोलारिटी में उसे कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, कंसीडर सपोज वी हैव गिवन ए सॉल्यूशन एंड मोलारिटी इज गिवन ऑफ दैट सॉल्यूशन एंड यू हैव टू कैलकुलेट सम मोलारिटी, हाउ टू डू दैट? फॉर एग्जांपल कंसीडर क्वेश्चन, सपोज वी हैव one molarity of a solution, say NaCl and water. Solution is NaCl and water is given. Suppose you have one molarity of the solution, say NaCl and water is given, and we want to calculate, we want to prepare solution of, what to do? 0.4 molarity. अभी 1 मोलारिटी की है, हमें 0.4 मोलारिटी की निकालनी, बनानी है, सॉल्यूशन प्रिपेयर करनी है। तो क्या करोगे? इनमें से हम निकालेंगे कितना? 0.4 मोलारिटी का हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो पहले ये देखेंगे कि 0.4 मोल कितने में परसेंट है। तो बहुत ही आसान और सिंपल बात है कि 1 मोल, 1 मोलारिटी का मतलब हुआ कि 1 मोल परसेंट है एक लीटर में। तो इतना मोल प्रेजेंट है कितने लीटर में, है ना? सो 1 मोल प्रेजेंट इन, यूनिटरी मेथड कैन बी अप्लाई इवन, 1 मोल प्रेजेंट इन, 1 मोल प्रेजेंट इन हाउ मेनी लीटर? इन 1 लीटर 1 मोल प्रेजेंट, एंड 1 मोल प्रेजेंट इन, 1 लीटर, ठीक है? 1 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, and therefore 0.4 mole present in how many? 1 upon 1 liter upon 1 mole into 0.4 mole, है ना? इस तरीके का कर सकते हैं, 1 liter, 1 liter upon 1 mole into 0.4
फोर मोल। ऐसे भी कर सकते हैं या वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे, तो क्या हो जाएगा 0.4 लीटर। 0.4 लीटर, इसका मतलब हुआ कि 0.4 लीटर का मतलब क्या हो गया, 400 मिलीलीटर। 400 मिलीलीटर में इतना मोल कंटेन करेगा। सो व्हाट वी नीड टू डू दैट, वी कैन टेक इट सिंपल से कि 1 मोल 1 लीटर में, तो 0.4 मोल कितने में होगा, ये यूनिट यूनिट मेथड यूनिट फैक्टर मेथड हमने अप्लाई किया। सो दैट आपको समझ में आए, मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, ये जो आएगा वो लीटर में आएगा, और 0.4 लीटर को हमने 400 मिलीलीटर लिख दिया। अब 0.4 400 मिलीलीटर जो है वो हम इसमें से अगर निकाल लें सॉल्यूशन में से, इफ वी विड्रॉ 0.4 मोल, मतलब 400 मिलीलीटर निकाल लें तो 0.4 मोल हमें आ जाएगा, और उसमें बाकी पानी मिला दें तो मोल कितना रहेगा उसमें, 0.4, और बाकी 1 लीटर में क्या रह जाएगा, पानी पानी पानी। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, 0.4 मोलारिटी। सो वी नीड टू टेक, क्या करेंगे हम, वी विल विड्रॉ ड्रॉ 400 ml of NaCl solution and poured enough water enough water to make it 1 liter, 1 liter, ठीक है, enough water to make it 1 liter, बस तो सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। द न्यू सॉल्यूशन हैज मोलारिटी 0.4 m, ठीक है। तो आप इसको एक फॉर्मूला के जरिए भी समझ सकते हैं कि क्या है, इसको फॉर्मूला कैसे होगा। ये देखिए रेशियो है, कुछ नहीं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको फॉर्मूला के टर्म में अगर हमें लिखना होगा तो मान लेते हैं कि m1 जो है, लेट m1 इज द नंबर ऑफ मोल्स, लेट m1 इज नंबर ऑफ मोल्स मोल्स एंड v1 इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन लीटर। m2 इज नंबर ऑफ मोल्स एंड v2 इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन v1 एंड m2 इज नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन v2, राइट। सो v2, सॉरी, नंबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इन v2। तो बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए फॉर्मूला, ये कहें कि m1 मोल अगर v1 में है तो 1 क्या होगा, v1 by m1, और इसी तरह से m2 मोल अगर v2 सॉल्यूशन में है तो 1 मोल कितना होगा, v2 by m2, यानी ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं m1 v1 upon v2 m1 upon v2 m2, v1 के बराबर है और v2 m2 भी 1 के बराबर है, या ये कह सकते हैं m1 by v1 is equal to m2 by v2, दोनों बातें सही है, m1 by v1 उल्टा लिख दिया, और यहाँ पे m2 by v2, या ये भी कह सकते हैं कि m1 by m2 is equal to v1 by v2, ये ज्यादा सुंदर है, और इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि m1 by m2 is equal to v1 by v2। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई कर सकते थे,
इस क्वेश्चन में पहले है M1 क्या था 1 मोल और दूसरा क्या था 0.4 मोल और V1 कितना था 1 लीटर और V2 कितना था वो निकालना था। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये मोल मोल कैंसिल, ये भी लीटर लीटर कैंसिल, क्या हो जाएगा 0.4, 0.4 लीटर, दैट इज 400 मिलीलीटर आपको उसमें से निकालना था और बाकी उसमें क्या करना था पानी मिला देना था। ठीक है, तो इतना मोल इतने वॉल्यूम में, इतना मोल इतने वॉल्यूम में, तो ये रिलेशनशिप आ जाएगा और इस रिलेशनशिप की मदद से हम निकाल सकेंगे कि कितना हमें सोल्यूशन उसमें से निकालना चाहिए और बाकी तो पानी मिलाना है और पानी मिलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आसानी से किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये चैप्टर इतना पे थियोरेटिकल पार्ट खत्म होता है और आप प्रॉब्लम्स भी हर एक के थोड़े थोड़े बता दिए गए हैं, आप एक्सरसाइज चेक कर सकते हैं, बड़े ही प्यार से, कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल हमें पूछ सकते हैं और जो भी समस्या आएगी उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, देखते रहिए, इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।